गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 26th of April और आज है जम्मू में लोकसभा इलेक्शंस की पोलिंग। वैसे ही आज हमारा एक सरप्राइज ट्रिप भी प्लान हो गया था और अभी हम अपने ट्रिप पे जाने से पहले हम अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि ये मौका हमें 5 साल में एक बार मिलता है। तो आज हम अपना करेंगे वोट कास्ट एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, जल्दी आपको पता चल जाएगा। बस मैं इतना अभी के लिए बता सकता हूँ कि जो लोग भी भगवान शिव के फर्म बिलीवर्स हैं, आज का ट्रिप उनके लिए स्पेशल रहने वाला है, जैसे मेरे लिए स्पेशल है। सतनाम श्री वाहेगुरु। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने कास्ट कर दिया है अपना वोट और वो रहा हमारे प्यारे भारत का झंडा। वैसे तो कांग्रेस की रैली काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू हुई थी, मगर काउंटर पे सुबह से कोई है नहीं। और वहीं जब मैं बीजेपी वाली साइड देखता हूँ तो काफ़ी रश था, सभी वोट देने अंदर गए। चलो लेट्स सी 4 जून को क्या होगा, सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शुद्ध महादेव। एक छोटा सा टाउन है जम्मू से जाते हुए, जम्मू से चनैनी के रास्ते पे जाते हुए। बहुत से लोग पट्टी टॉप गए होंगे, पट्टी टॉप का रास्ता आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और शुद्ध महादेव का रास्ता आपका राइट साइड पे आ जाएगा। दरअसल इस गांव की या इस टाउन की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ एक शिव मंदिर है, और शिव मंदिर भी ऐसा जिसकी शिव पुराण में बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई है। ये वही जगह है जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि माता पार्वती अमर नहीं थी, लेकिन हमारे भगवान सदाशिव वो काल से पहले भी थे और काल के बाद भी। तब तक नहीं थी अमर जब तक उन्होंने अमर कथा भगवान शिव से सुन ना ली। वैसे ही माता पार्वती ने मानतलाई में जन्म लिया, और जैसा हमारे हिंदू शास्त्रों में होता है, वर और वधू का विवाह वधू यानी ब्राइड के घर में होता है। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है भगवान शिव के ससुराल और माता पार्वती का मायका। आपको वो कुंड भी दिखाएंगे जहाँ उनका विवाह हुआ था, और कोशिश करेंगे पंडित जी से खुद बात हो सके, और भी जो उस जगह के बारे में डिटेल्स हैं वो जल्दी आपको पता चलेंगी, वो भी ऑथेंटिक पंडित जी के द्वारा GoPro। और ये आगे जी हमारे मकैक, हमारी हनुमान जी की सेना, इनको देखते ही ये पता चल जाता है कि हाँ जी हम जम्मू सिटी से थोड़ा बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ शिवालिक रेंजेस में। जम्मू जू का प्रमोशन बहुत हुआ यार। और भाइयों और बहनों, हम आ गए हैं नेशनल हाईवे नंबर 44। ब्यूटीफुल हाईवे यार, क्या मक्खन रोड है, मस्त, मतलब जीरो पॉट होल, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे नहीं पता आपको आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ी हाई स्पीड पे हूँ और विंड ब्लास्ट तो रहता ही है। ये है जी हमारे जम्मू का जम्बू जू, यहाँ शेर चीते टाइगर लेपर्ड लायन डियर सब है। सोच रहा हूँ एक ब्लॉग इससे भी बना लूँ, क्या करूँ, बनाना की जगह कि नहीं। और अभी हमारा जो डिस्टेंस है वो कुछ 110 किलोमीटर बचा है। गूगल मैप बताता है कि 2 घंटे लगेंगे, मगर मुझे लगता है हम 2 से पहले पहुँचेंगे भाई। इसे हिमालयन ऐसे ही नहीं कहते। उधमपुर है यहाँ से 57 किलोमीटर्स। हम उधमपुर तो जा नहीं रहे, उससे पहले हम
ले लेंगे अपना राइट टर्न एंड देन हम जाएंगे सबसे पहले शुद्ध महादेव। अब थोड़ा टाइम है तो मैं आपको शुद्ध महादेव की कहानी सुनाता चलूं। शुद्ध एक राक्षस था जो माता पार्वती की तपस्या में उन्हें तंग किया करता था। माता पार्वती तपस्या इसलिए कर रही थी क्योंकि वो भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। शुद्ध भी भगवान शिव का एक भक्त था जो जाने अनजाने में माता पार्वती का रास्ता काटता रहा। एक दिन माता पार्वती को बहुत क्रोध आ गया और कैलाश जहाँ पे भगवान शिव अपने योग में लीन थे, कैलाश पर्वत कांपने लगा। और जब कैलाश पर्वत कांपा तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के एक वार से शुद्ध राक्षस का वध कर दिया। अब हुआ यूं कि जो शुद्ध था तो वो भी भगवान शिव का एक भक्त। काम वासना में आके उसने पाप कर दिया, जैसे रावण ने काम वासना में आके पाप किया था क्योंकि था, वैसे वो भी तो था भगवान शिव का भक्त। तो भगवान शिव ने शुद्ध को ये वरदान दिया कि तूने गलती की, उसकी सज़ा मैंने तुझे दे दी, लेकिन क्योंकि तू मेरा भक्त था तो अब अगर मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं तो तू मुझे बता। तो शुद्ध ने भगवान शिव से ये मांगा कि इस जगह का नाम जहाँ पे मेरे प्रभु ने मेरा वध किया है, मेरे और मेरे भोलेनाथ के नाम पे हो। तो भगवान शिव ने उसे ये वरदान दिया कि जिस जगह पे मैंने तेरा वध किया है यहाँ पे तेरा नाम पहले और मेरा नाम बाद में आएगा, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा शुद्ध महादेव। गो ब्रोस। तो ये सामने जा रही है हमारी माता श्री, दादी श्री और मेरा छोटा भाई। ये मेरी सपोर्टिंग कार भी है, मेरा आधे से ज़्यादा सामान इसमें रहता है इसलिए मुझे सैडल बैग्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है वो ब्रिज, इस पे से हम अभी जाएंगे यहाँ से रास्ता लेकर। फूल कितने अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब वैसे ही रास्ता इतना सुंदर था। आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं और ये पिंक कलर फूल बहुत अच्छे लग रहे थे रास्ते में। वैसे कहो या ना कहो यार, गवर्नमेंट ने काम तो बहुत किया है। हाँ, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, सबके अपने इंटरेस्ट रहते हैं। ये है ब्रिज। तो ये है जी हमारा व्यू पॉइंट जहाँ हम लास्ट टाइम आए थे। आज फिर आपको एक छोटा सा सीनरी दिखा देंगे यहाँ का। वो दूर वैष्णो देवी की पहाड़ी है और ये हमारे पीछे जम्मू सिटी। और अभी हम हैं नेशनल हाईवे पे और थोड़ा सा रेस्ट करके वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। तो अभी मुझे याद आया कि इलेक्शन में वोटिंग डालने के लिए हम तो चले गए, मगर फिर याद आया यार बबलू भैया को तो तेल पिलाया ही नहीं। तो चलो बबलू भैया को पिलाते हैं तेल। पेट्रोल डालना मेरे भाई, ठीक है, टैंकी फुल करनी। क्यूआर कोड है ना, शाबाश। तो बबलू भैया ने पी लिया है तेल और अब हम गुड टू गो हैं अपनी जर्नी के लिए। बबलू भैया का पेट हो गया फुल, चलो और अपनी गाड़ी का भी। तो ये आ गया जी हमारा बन टोल प्लाजा। और बाइक होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें टोल नहीं देना, बस यही एक सुख है हम बाइकर्स की ज़िंदगी का। और ये पहाड़ों को तोड़कर बनाया गया हमारा नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसका एक दूसरा नाम कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे भी है।
कश्मीर से कन्याकुमारी। कभी माता रानी ने मौका मिला तो हम इस हाईवे को कश्मीर टू कन्याकुमारी कवर करेंगे अपने मोटो ब्लॉग में। और ये पहाड़ तोड़कर बनाया हुआ ये हाईवे, पहाड़ों के बीच में से पहाड़ों को चीर कर। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... बबलू भैया का पेट तो भर गया, लेकिन सोच रहा हूँ खुद भी थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा पकोड़ों की एक ऐसी दुकान जो आती है इसी नेशनल हाईवे पे, जहाँ मैं काफी टाइम पहले गया था। तो आ गए हम जी शर्मा वैष्णो ढाबा। आप सभी सोचेंगे हर बार शर्मा ढाबा क्यों ढूंढता है, मगर ऑन अ सीरियस नोट, जब मैं अपनी प्री वेडिंग शूट के लिए पटनीटॉप गया था, पटनीटॉप सनासर, तब मैं यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था, और वो दिन और आज का दिन मुझे इसके पनीर के पकोड़े बहुत पसंद हैं। बबलू भी आ गया तो पेट हो गया फुल, हम भी अपना पेट फुल कर लेते हैं क्योंकि राइडिंग के लिए एनर्जी चाहिए। और ये आ गई फैमिली, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद आप जर्नी करेंगे कंटिन्यू। गो हर हर महादेव। और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, सही कहूँ तो हमारा ब्रंच हो गया, ब्रंच। और अब हम सीधे रुकेंगे शुद्ध महादेव, हर हर महादेव। ब्यूटीफुल सीनरी यार, ब्यूटीफुल सीनरी। चाहे कितनी भी बाहर निकलो यहाँ से, ये रास्ता हमेशा सुंदर लगता है, चाहे कोई भी मौसम हो, डजंट मैटर। दूर उस पहाड़ी पे देखिए, वो है माता वैष्णो देवी जाने का रास्ता। आज मौसम क्लियर है इसलिए आपको शायद थोड़ा नजर आ रहा होगा, यही है त्रिकुटा पर्वत जिस पर हमारी माँ वैष्णो देवी विराजमान है। बहुत ही खुशकिस्मत है जम्मू के लोग।
Dummy like a Hellcat. भाई सोलो राइडिंग का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, लाइफ के वो इवेंट्स जो हो चुके हैं और वो इवेंट्स जो आप चाहते हो कि इन फ्यूचर हो जाएं, अपने बारे में सोचने का थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और इस ब्यूटीफुल सीनरी में आइडियाज़ भी ब्यूटीफुल आते हैं। देवी की यात्रा जाती हुई सीधा ऊपर को, और इस पहाड़ी के पीछे है भवन गुफा, जहां देवी माँ तीन पिंडियों के रूप में, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली विराजमान है। अब शायद आपको व्यू थोड़ा क्लियर आ रहा हो। तो भाई हट जा, वो देखिए माता वैष्णो। तो अभी हम अपने रास्ते में ही हैं। एक जरूरी अपडेट जो मैं सभी अपने भाइयों और बहनों को देना चाहूंगा, जब भी आप कभी ऐसी जगह पे आए, पहाड़ी इलाके में हो, बाइक, चाहे आप टू व्हीलर पे हो या फोर व्हीलर पे, एक बात का खास ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जस्ट पीछे ही हुआ। यूं कि एक बंदर रोड क्रॉस करने लगा, अचानक से बीच रास्ते में आ गया। थैंक गॉड कि मेरी बाइक उस टाइम कंट्रोल पे थी, जो कि रहनी चाहिए और रहती भी है। वन शुड बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ रोड्स पे स्ट्रीट डॉग्स हो गए, बंदर हो गए, ये समटाइम्स गेटिंग हिट बाय कार और समथिंग, या तो काफ़ी बैडली इंजर हो जाते हैं, इन मोस्ट केसेस दे डाई, जो मेरे लिए बहुत ही एक हार्ट रेकनिंग काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लॉन्ग राइड्स के लिए इन इलाकों में आ रहे हैं, प्लीज़ रास्ते पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, ज़रूरत हो। Run free and dive into... वो देखिए दूर रिजिस पे वहाँ बर्फ पड़ी हुई है। और ये रहा एक छोटा सा व्यू अपडेट। बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत अच्छी रोड है, मक्खन रोड है, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है।
से 13-1400 किलोमीटर हो गए मुझे इस पर सिर्फ टूरिंग की है मैंने। ऑफिस कम्यूट के लिए हमारे पास हमारी टुक-टुक है ना। अगर मैं कहूँ जो मजा चलाने में इसको आया है, मुझे आज तक इतना अच्छा एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक में नहीं आया। थैंक यू रॉयल एनफील्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस हिमालयन 450 शेरपा। तो अभी हमने उधमपुर शहर क्रॉस किया है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं चनैनी वाले रास्ते पे। एक रास्ता लेफ्ट हो जाएगा जो जाएगा पटनी टॉप को, और जो राइट वाला रास्ता है वो हमारा है। चनैनी रोड टू सुध महादेव, तो यह है नया रास्ता। आज से 10 साल पहले मैं यहाँ आया था, 10 नहीं शायद 15 साल पहले, सॉरी, मैं आज से 15 साल पहले आया था, और मैं आया था अपने दादाजी के साथ, स्वर्गीय दीनानाथ शर्मा जी, और उसके बाद मैं आज यहाँ आ रहा हूँ। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब थे साथ में, मैं था, मेरी दादी, वाह यार मस्त है, तो मेरी बाइक से भी ज़्यादा मस्त है, साथ में मेरी छोटी बुआ सिमी बुजी साथ आई थी, तो मेरा भाई बिल्कुल छोटा सा होता था। आज ये भी दूसरी बार आया है। मैं अपने चैनल पे शायद वो फ़ोटो शेयर करूँगा जो हमने सुधमा देव में शिव जी के त्रिशूल के साथ फोटो खिंचाया है। और हाँ, मैं शायद बताना भूल गया था, सुध राक्षस के वध के पश्चात भगवान शिव ने अपने उस त्रिशूल को तोड़ दिया था और उसे वहीं गाड़ दिया था, आधा उसके टुकड़े करके उसे वहीं गाड़ दिया था। आज भी उस त्रिशूल के अवशेष वहाँ पे हैं। अचंभे की बात यह है कि 15 साल बाद तो मैं जा रहा हूँ, और जो फोटोज़ मैं देख चुका हूँ उस त्रिशूल पे ज़रा सा भी जंग नहीं है। अरे तो हुई 15 साल। कहते हैं कि जब से ये भगवान ने यहाँ ये त्रिशूल के अवशेष गाड़े हैं तब से लेके आज तक ये त्रिशूल वैसा का वैसा है ना, मगर त्रिशूल वैसा का वैसा है, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। तो अब यहाँ से हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, गूगल दिखाता है सिर्फ आधे घंटे का रास्ता, जो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ भी रोड कितना अच्छा है, डिस्पाइट कि ये थोड़ा एक फार फ्लंज एरिया है। और जो देख रहे हैं, मैं उन्हें एक बात और बताऊं कि जो मांतलाई है वो इंटरनेशनल योगा सेंटर भी बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आश्रम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कि गुरु थे इंदिरा गांधी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा जब हम मांतलाई जाएंगे इसी रास्ते में। हर हर महादेव। तो जी हम पहुंच गए हैं सुध महादेव, ये यहाँ का मेन बाज़ार है, और गाड़ी हमने मंदिर द्वार से थोड़ी आगे लगाई, वहाँ गाड़ी लगाना अलाउड नहीं। तो अब ये सामान रखते हैं अंदर और फिर हम चलेंगे दर्शन करने के लिए हर हर महादेव। हेलो भैया, चलो ये और ये है रास्ते की मार्केट, सुध महादेव मंदिर के रास्ते की मार्केट। हल्की हल्की कुरकुरी सी ठंड है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है।
वैसे कौन कहते हैं मंदिर रोटी नहीं देता, कितने लोगों का घर चल रहा है इन मार्केट से, और ये मार्केट चल रही है शुद्ध महादेव मंदिर से। प्राचीन शिव मंदिर, वेल इसके अंदर आज तो थोड़ा सा अंधेरा है, मे बी पावर कट और समथिंग, और जो मूर्ति अंदर है वो प्राचीन है, कोई मैन मेड नहीं। ऐसा कहा जाता है कि ये ज़मीन के नीचे से स्वयं प्रकट हुई थी, और ये है वो त्रिशूल, महादेव का ये त्रिशूल। यहाँ पे कई कई सालों से इस मंदिर की मेंटेनेंस धर्मत ट्रस्ट करता है, जिसे फॉर्म किया था महाराजा हरि सिंह ने, और इसके सामने हैं बाबा भैरवनाथ। नाम महंत श्यामगिरी जी महाराज हैं जी। स्वामी जी, इस मंदिर के बारे में बताएं। ये माता पार्वती की जो जन्मभूमि है वो मानतलाई है, वहाँ से चल करके गौरी कुंड में स्नान करती थी, ठीक, यहाँ पर बैठ करके पूजा जब तक करती थी, ठीक ठीक ठीक। सिद्धांत नाम का एक राक्षस था, वो पूजा जब तक करने में उनको तंग करता था, ठीक। उन्होंने अपने मन में विचार करके भोलेनाथ से आराधना की, आराधना करने पर भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत से अपना त्रिशूल फेंक करके मारा, वो सिद्धांत नाम का राक्षस था, वो धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा, ठीक ठीक। उस त्रिशूल के तीन खंड हो गए, वो आज भी यहाँ पर मौजूद, हाँ हमने देखे, हाँ। फिर यहाँ भोलेनाथ स्वयं चल करके आए, अच्छा, राक्षस से पूछा, बता तू क्या चाहता है। उसने कहा, प्रभु हम कुछ नहीं चाहते हैं, आप अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ लीजिए, तभी ये सिद्धांत के नाम से, शुद्ध महादेव के नाम से स्थान प्रसिद्ध हो गया, ठीक। कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है, जब ही बना है बाहर का जो ये स्ट्रक्चर? 2800 साल पुराना मंदिर है। यहाँ जो अंदर मूर्तियाँ लगी हुई हैं आज शंभू हैं, ये मोल नहीं आई, यहाँ जमीन से निकली एक हलवाई को मिली थी, वो ही यहाँ स्थापना उनकी मूर्तियों की हुई। यहाँ एक रूपनाथ बाबा थे जिन्होंने अपनी जिंदा समाधि लगा दी, उन्हीं का आज भी धुना अंदर धुना चल रहा है, 2800 साल पुराना धुना है, वो आज भी बराबर चलता है। जो यहाँ पे बाकी समाधियाँ हैं वो सब समाधियाँ बाबाओं की हैं, ये माथों की हैं। तो ये सब समाधियाँ हैं यहाँ पे, कितनी समाधियाँ हैं कुल? 11 समाधियाँ हैं। तो यहाँ नाथ संप्रदाय के 11 साधुओं ने ध्यान की लगाया और समाधि ली। धुना बाबा रघुनाथ ने प्रचंड किया, सबसे बड़ा वो धुना चल रहा है। तो ये वो धुना है जो 2800 साल से बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है जी। ठीक, ये ट्रस्ट की कुछ बैंक डिटेल्स हैं, जो लोग भी लंगर सेवा में योगदान करना चाहते हैं वो इस IFSC कोड को नोट कर लें, या इस QR कोड पे स्कैन करके ट्रस्ट के खातों में डोनेशन कर सकते हैं। और कुछ ऐसा व्यू है मंदिर के प्रमाइसेस से, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत शहर, और वो वहाँ दूर है इंटरनेशनल योगा सेंटर मानतलाई, अभी वहाँ भी जाएंगे देखेंगे।
तो मेरे भाइयों बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे रहे हमारे दर्शन सुध महादेव के। स्वामी जी ने जो बताया वो सुन के मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो चीज़ें मैंने सुनी थी एग्जैक्टली स्टोरी इस जगह की वैसी ही थी, मतलब आई वॉज़ नॉट रॉन्ग एट एनी पॉइंट। और जो लोग भी भगवान शिव के फर्म बिलीवर हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनसे कनेक्शन रखते हैं, आप यहाँ ज़रूर आएँ, ज़रूर दर्शन कीजिए। बहुत ही सुची जगह है, बहुत ही शांत जगह है। और सत्य सनातन धर्म की जय, हमारे भोले बाबा जी की जय। अब हम जा रहे हैं मानतलाई, वो सामने रहा मानतलाई इंटरनेशनल योगा सेंटर, और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जगह, क्योंकि जब नॉर्थ इंडिया के बहुत कम शहरों में एयरफील्ड्स हुआ करते थे उस समय मानतलाई में एक प्राइवेट एयरफील्ड हुआ करता था जहाँ प्राइवेट जेट्स उड़ा करते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो स्वामी जिनके अंडर ये सारी जगह आती थी, उनकी डेथ इनफैक्ट यहीं हुई अपने ही एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर के क्रैश में। और वो बहुत ही करीबी माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू के और इंदिरा गांधी के। इनफैक्ट आरी की मर्ज़ी पीएमओ का आदेश हुआ करती थी, जी हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो बाद में जिनका असैसिनेशन हो गया 84 में, बिफोर 84 धीरेन्द्र शास्त्री वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन आर कंट्री। धीरेन्द्र शास्त्री की डेथ 1994 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रैश में हुई थी। सो अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर। और देखते हैं आज इनका आश्रम। गो। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी हम आ गए हैं मानतलाई आश्रम से। थोड़ी पहले ये मंदिर आता है, असल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आश्रम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस मंदिर की है। रीज़न बीइंग कि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो ब्रह्म विवाह होता है उसमें लड़की के मायके में दोनों के जो फेरे होते हैं वो किए जाते हैं, तो शिव पार्वती विवाह इस कुंड में हुआ था। यहाँ पे उनका मंडप लगाया गया था और यहाँ ही उन्होंने 7 फेरे लिए थे। और माता पार्वती इसी गांव की रहने वाली थी। माता ने बहुत से जन्म लिए, भगवान शिव सदा शिव थे, हमेशा से अमर थे। माता ने कई जन्म लिए तब तक जब तक भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा नहीं बताई। तो उनमें से एक जन्म जो था माता का इस गांव में हुआ था, और यहाँ पे उनके, जिनसे यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं लावा फेरे, इसे कहते हैं, अग्नि के 7 फेरे यहाँ लिए गए थे। और कन्यादान भी यहीं है, यहाँ पे साथ ही में इसका अंदर मंदिर है। अभी मंदिर में जाएंगे और देखेंगे पुजारी जी हमें क्या बताते हैं जगह के बारे में, जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं। और गियर मैंने अपना इसलिए नहीं उतारा क्योंकि यहाँ थोड़ी ठंड है। जय हम। तो हर हर महादेव, महादेव मंदिर के बारे में बताइए। यहाँ पे माता पार्वती जी की ये जन्मभूमि है। माता पार्वती जी ने गोरखपुर में गौर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। शुद्ध महादेव में शिव की पूजा की थी और जो नीचे कुंड है पानी वाला, उस टाइम जो हम कुंड था, फिर बाद में जल कुंड बन गया शादी के बाद। यहाँ पे शादी की खास प्रेमती हुई थी, उसके बाद ये मूर्ति माता जी की, गोर माता की शादी के पहले की है, ये शादी के बाद की है, परिवार हुई है। ठीक है, नेचुरल मूर्ति है। मां नंदी जी हैं दो, एक पहले का था, ठीक, दूसरा बाद में मिला हुआ, खड़ा भी मिला हुआ है। एक ये मूर्ति मिली है, ये वाली, ठीक, ये कौन सी मूर्ति है, ये 40 साल पुरानी बात है, ये वाली मूर्ति है। ठीक पंडित जी, वो जो शिला अंदर रखी है ये शिव शिवलिंग, ये वो वाला, वो बोलते हैं उस टाइम जो इसका 250 ग्राम था, इसके बराबर बांटा था, इसके बराबर, इसके बराबर, हाँ सभी को, ये उनका वेट था। अब इतना भार, अब तो उस टाइम इतने भाव था ना, उस टाइम खाने वाले बहुत बड़े थे, सभी को इसके बराबर दिया था खाने वाला। अच्छा,
तो अभी हम आ गए हैं आश्रम के अंदर। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत काम कराया है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो थी ही, यहाँ पे मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक। मेरी अभी अभी यहाँ जो बाहर गार्ड है उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे क्लियर कट जवाब दिया कि सर 2014 से 2015 के बाद से तो यहाँ पे मिलिटेंसी है ही नहीं, पहले तो यहाँ मिलिटेंट सामने चलते जाते दिखते थे। तो आई होप ये चीज़ कंटिन्यू रहे, एरिया पीसफुल रहे, क्योंकि देखने लायक जगह है यार, आप लोग आओ देखो, देखने लायक जगह है। यहाँ का मौसम ठंडा, हवा बिल्कुल प्योर। और बाय द वे अगर मैं कभी ड्राइव करते कुछ गलत बोल दूँ, ग्रामेटिकली कुछ गलत बोल दूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ी, क्योंकि मैं अभी भी मोटो व्लॉगिंग में परफेक्ट नहीं हुआ हूँ और मेरा ज़्यादातर फोकस अपनी ड्राइविंग पे ही होता है। और खुद ही मैं नज़ारों को एब्जॉर्ब कर रहा होता हूँ। सो ठीक है, ये है गोल और देवदार के पेड़ों के बीच में ये मेडिटेशन सेंटर्स हैं। यहाँ पे मेडिटेशन क्यूब्स भी हैं और ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कुछ कार्स हैं। एक बात तो है यार, बंदा गाड़ियों का ज़रूर शौकीन था, अगर देख लो भाई लोग सब कुछ यहाँ ही रह जाता है, और अगर कोई संभालने वाला ना रहा तो कबाड़ ही बनेंगी हमारी गाड़ियाँ। इसलिए परमात्मा बच्चों को तंदुरुस्ती दे, सद्बुद्धि दे, ये उनका ये अपने प्राइवेट ट्रक्स पूरा कंस्ट्रक्शन का काम करने का जो इक्विपमेंट था उनका अपना प्राइवेट था। एक ऐसा आदमी हु वॉज एट द पीक ऑफ पावर, मनी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग, ही हैड एवरीथिंग, बट सी डेस्टिनी, एक दिन लगता है, एक सेकंड लगा एंड ही इज लॉन्ग गॉन। ये ब्रह्मचारी जी एक हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे, उनका ये कहना था कि मैं इस जगह को स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा, यहाँ पे मैं हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस ये सब खोलूँगा, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद वो भी चले गए, उनके प्लान्स भी चले गए, रह गई तो उनकी कंट्रोवर्सीज। GoPro ये है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का आधा अधूरा हॉस्पिटल जो कभी वजूद में नहीं आ पाया। अंदर से देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, लोगों ने यहाँ पे भी अपने और ये कुछ फुद्दुओं की कलाकारी। और यहाँ थोड़ी और जिप्सी, यार ये नाम लिख के क्या साबित करना चाहते हैं बहनचोद। और ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का वो चॉपर जो क्रैश हुआ और खुद भी डूबा, उनको भी ले डूबा। ये रहा चॉपर का इंजन, लोग प्लेटें काट के भी ले गए लोहा बेचने के लिए। मेडिटेशन पॉड नंबर वन, मुझे समझ नहीं आता इसके अंदर बैठ के आदमी मेडिटेशन में आएगा या डिप्रेशन में आएगा। तो मेरा मेडिटेशन बाइक के ऊपर बैठ के होता है। बहुत पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, देवदार के पेड़ों के बीच में आश्रम, जगह तो अच्छी देखी है उसने।
थोड़ी गंदी आ गई अब फायदा क्या, अभी नहीं बनाना, अब निकलने दो मुझे आगे। यहाँ बैठ के करती थी माता तपस्या और यहाँ लगाती थी माता दूनी। अच्छा क्या लादिया सा ना दूनी। और ये है माता की गर्भजून, ये माता की गर्भजून गुफा। इसको लांघने से आदमी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। उधर घुटना फंस सकता है तेरा, मेरा घुटना नहीं कर रहा। और ये हैं बाबा श्री पूर्णगिरी जी। जय माता दी, जय माँ बागे वाली। तो हम आ गए हैं गौरीकुंड, ये वही जगह है जहाँ पे माता ने तपस्या की थी भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए। ये है माता जी की गुफा जिसके अंदर माता रानी बैठकर तपस्या किया करती है। और माता रानी ने यहाँ पे 12 साल तपस्या की थी। वो वहाँ गाय के चार थन को दर्शाती एक चट्टान। ये भी आया दर्शन के लिए जी। मैं तो यही कहूँगा दर्शन करने के बाद कि बहुत ही सुची जगह है, बहुत शांति है यहाँ पे। जो लोग भी इस तरफ आएं वो माता के दर्शन ज़रूर करें। माता ने यहाँ पे 12 साल तपस्या की है और गुफा के अंदर जाते ही आपको ये एहसास होता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है जो कि प्राइसलेस है। हम जा रहे हैं वापस घर और बस बाइक राइडिंग की एक सबसे नेगेटिव चीज़ ये है कि बालों की बुरी हालत हो जाती है हेलमेट में। बहुत मज़ा है, मौसम वेदर है, ठंडी हवा है, अच्छी रोड्स हैं और बाइक की टंकी फुल है, और क्या चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी हम आए थे गौरीकुंड, माता के दर्शन किए जैसा आपने देखा और प्रसाद लिया था हमने भाई की दुकान से। भाई अपने नाम जय माता चैनल के बारे में बताओ। मेरा नाम विशाल गोस्वामी है। विशाल तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे भैया इधर आए, इन्होंने मतलब मंदिर ऊपर गए थे, इन्होंने दर्शन वगैरह किए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से कि हमारे भैया की सपोर्ट करें। जय माता दी, जय। और यहां जरूर आए तो यहां पे जरूर, बहुत अच्छी जगह। जय माता, ठीक है वीर। जय माता दी, जय माता दी।